मैं बनाऊंगी चने की दाल और आटे का एक ऐसा टेस्टी नाश्ता जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। चलिए आज मैं इसी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका निशा के ब्लॉग में दिल से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक मज़ेदार नाश्ता जो चने की दाल आटे से तैयार किया जाएगा। चलिए मैं इसी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। दाल को हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है और इसे बिना पानी डाले ही आपको पीसना है। कुछ इस तरीके से दाल पीसनी है और बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा, अगर ये पतली हो जाएगी फिर आपका नाश्ता नहीं तैयार हो पाएगा। दाल में मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ, नमक स्वाद के अनुसार। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब हमें आटा तैयार करेंगे। इसमें भी हम सेम मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और सौंफ, नमक स्वाद के अनुसार। अब हम अच्छे से इसे गूंथ लेंगे। हमें ज़्यादा इसे सख्त और ज़्यादा गीला भी नहीं गूंथना है, हमें नॉर्मल ही आटा गूंथना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके ही आटे को गूंथना है। आटा ये देखिए तैयार हो चुका है। अब हम इसकी लोइयां काट लेंगे और छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेंगे। कैसे हमें लोइयां काट लेनी है और अब हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे। हमें कुछ इस तरीके से रोटियां बेल लेनी है। इसी तरीके से हमें सारी रोटियां बेल ली हैं। रोटियां हमें ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है और ना ज़्यादा पतली, मिनिमम होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से, ये देखिए। अब हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे। ये इस तरीके से हमें इसे पूरी रोटी में लगा देना है। इसे गुजिया के आकार में देना है। इसी तरीके से मैं सारी गुजिया तैयार कर लेनी है। हमें इस तरीके से सारी गुजिया तैयार कर लेनी है। कढ़ाई में पानी डाल दिया है, अब इसमें जब उबाल आने लगा तब हमें इसमें सारी गुजिया डाल देनी है। हमें इस तरीके से उबाल आने लगे तो हमें एक एक करके गुजिया डाल देनी है। जब ये चार गुजिया थोड़ी पक जाएंगी तब इसके ऊपर से हमें दूसरी गुजिया रखनी है। ये देखिए पक चुकी है, अब हमें इसके ऊपर से ये सारी गुजिया डाल देनी है। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो चिपक जाएंगी, फिर ये सारी फट जाएंगी, इसीलिए हमें थोड़ी पकने के बाद ही डालनी है। जब ये पक जाएंगी तो ये फिसलने लगती है, तो समझ जाइएगा ये पक चुकी है। ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हमें इसे कट करना है। कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है, अब हमें इन्हें कट करना है। हमें इस तरीके से इन्हें सारे कट कर लेना है। हाँ
इसी तरीके से हमें सारे कट कर लेने हैं। चढ़ा दिए, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। हम ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे जिससे अच्छे से भुन जाए। हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा भून गया, अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे बस। अब हमें इन्हें भून लेना है। हम इसमें और कोई मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। और हमें थोड़ी देर तक इसे भून लेना है। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अगर ये अगर ठंड का मौसम है तो आप फ्रिज में रखें, इन्हें 2-4 दिन तक खा सकते हैं आराम से। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, एक बार जरूर आप ट्राई करिएगा। हमारे दूसरे आप मम्मी ने कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है, अब आप इसे गरम गरम चाय के साथ सर्व करिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एक बार रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।